Today we are going to talk about how to cover social issues. इस वजह से भी बहुत ज़रूरी है कि मीडिया से लोगों को जनरली ये शिकायत है कि मीडिया सियासी चीज़ों को ज़्यादा कवरेज देता है, ज़्यादा स्पेस देता है और उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट भी करता है, जबकि सोशल इश्यूज जो कि लोगों के हकीकी तौर पर मसाइल हैं उस पर मीडिया की तवज्जो कम है। ये एक जनरल कंप्लेंट है और सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी ज़्यादा है। देखिए, उसकी दो तीन वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि पॉलिटिकल चीज़ें उठाने के लिए, उनको बयान करने के लिए, उनको मीडिया तक पहुँचाने के लिए जो है वो बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे इन द सेंस के सियासत के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके फरीकें हैं, वो सरगर्म भी रहते हैं और वो अपनी चीज़ें मीडिया तक भी पहुंचाते हैं। इस ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मीडिया जो है वो पॉलिटिकल चीज़ों को ज़्यादा और सोशल चीज़ों को कम देता है। उसके बरक्स सोशल इशूज़ जो हैं उसके आवाज़ उठाने वाले, उसको बयान करने वाले, उसको जो है वो बताने वाले या उन वो चीज़ें मीडिया तक पहुंचाने वाले ही कम हैं, तो लिहाजा उसकी भी और जो है स्पेस भी कम हो जाता है, टाइम भी कम हो जाता है और उस वजह से वो मसाइल रह जाते हैं। मीडिया का बहुत एक अहम रोल होता है कि किसी भी माशरे में जो भी सोशल इशूज़ होते हैं उनको उठाने के लिए। सबसे पहले हम खुद ये समझें तो सही कि भाई मीडिया के सोशल इश्यूज़ है क्या, और उसके बाद जब तक हम सोशल इश्यूज़ को नहीं समझते तब तक जो है हम उसको नहीं कर सकते। देखिए, सोशल इश्यूज़ की जो हम बयान करें तो उसकी तारीफ कुछ इस तरह से बनेगी कि एक ऐसी सूरत हाल, एक ऐसी परेशान कन सूरत हाल जो कि माशरे के एक अच्छे खासे हिस्से को मुतासर करती है, उस पर असरअंदाज होती है। और ये सूरतहाल जो है वो जिसमें लोग जो हैं वो हम कह सकते हैं काफ़ी लोग मुतासर करते हैं, ये एक माशरे का ऐसा पहलू है जिसके बारे में लोग फिक्रमंद हैं और उसको तब्दील करना चाहते हैं। किसी भी सोशल इशू पर जो भी तश्वीश है या सोशल इशू है वो खुद वो एक सब्जेक्टिव यानी मारूजी भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, मारूजी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं कि मौजूई। ऑब्जेक्टिव की जो माने है उसका मतलब ये कि ऐसी सूरत जो कि मौजूद है माशरे में वहाँ पर लोग उसको महसूस करते हैं, उसको तब्दील करना चाहते हैं, यानी लोगों में अवेयरनेस एक मौजूद है। ये अलग चीज़ है कि वो उसके लिए सेंसिटिव कितने हैं, उसके लिए वो सरगर्म कितने हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो उसको समझते हैं कि ये मसला है और उसकी ये वजूहात है अपने तौर पर। मौजूई का मतलब ये है कि एक ऐसी सूरत है जिसके बारे में लोग उस तरह से आगाह नहीं हैं, लेकिन कोई एक्सपर्ट, कोई स्पेशलिस्ट, कोई रिसर्चर उनको आ करके बताता है कि भाई आपका ये मसला है। मिसाल के तौर पर अभी अपने पास ये जो कोरोना की वबा आई तो उसके बारे में डॉक्टरों ने कहा कि ये कोरोना है, ये बीमारी है, ये मसला है, इसके लिए आप ये तदाबीर करें। तो लोगों के पास तो सिर्फ ये था कि बीमारी है, लेकिन उसको बाकायदा तशखीस करना, उसको पहचानना, वो उन एक्सपर्ट्स का ओपिनियन था। तो इस वजह से किसी भी मसले पर तशखीस जो है वो मारूजी भी हो सकती है और मौजूई भी हो सकती है। ध्यान में रखें कि मसले के बारे में एक से ज़्यादा आरा होती है, यानी एक से ज़्यादा ओपिनियन होते हैं और उसके इस वजह से भी मसला पैदा होता है। क्योंकि हम अगर ये कहें कि भाई ऑनलाइन क्लासेस जो हैं ये ठीक हैं, ऑनलाइन क्लासेस ठीक नहीं है, इसके बारे में मुख्तलिफ ओपिनियन हो सकते हैं, स्टूडेंट्स में भी हो सकते हैं, टीचर्स में भी हो सकते हैं। ये चूँकि इस ज़्यादा राय उनकी है तो इस वजह से ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये उनका उस पर जो है इस वजह से भी मसला है।
यानी ज्यादा राय होने की वजह से भी मसला है। अगर एक ही ओपिनियन हो तो शायद उस तरह से मसला न बने। अब आते हैं इस पर कि ये थोड़ी सी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि मुख्तलिफ माशरों के मुख्तलिफ समाज जो होते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज होते हैं, मुख्तलिफ इलाके होते हैं, मुख्तलिफ ग्रोह होते हैं और मुख्तलिफ ममालिक, उन सब के ये जो माशरती मसाइल या सोशल इशू एक जैसे नहीं होते। उनकी किसी न किसी तरीके से अगर एक तरह होते भी हैं तो भी उनकी जो तस्वीर है, उसकी जो शबी है, उसकी जो शेप है, वो मुख्तलिफ हो सकती है। माशरती मसाइल की वजूहात जो है वो जानना भी बहुत अहम है। आमतौर पर माशरे में जो एक इनइक्वालिटी है, अदम मसावात है, जो ना बराबरी है, उसकी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं। और उसको आप अगर देखें कि पॉलिटिक्स हो, सोशल प्रॉब्लम हो, हुक्मरानी हो, जो पॉलिसियाँ बनती हैं वो, किसी महले में हम रहते हैं वो मामला हो, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ जितनी जितनी जो है ना बराबरी है, उतने वहाँ पर उसी हिसाब से मसले होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का जो ख्याल है कि ये जो हमारे मसाइल हैं वो उसके पैदा करने के लिए मुख्तलिफ जो अफराद हैं और मुख्तलिफ माशरे हैं उनके बारे में उनकी राय मुख्तलिफ है। और ये भी चीज़ है कि जो भी इख्तलाफ राय होता है वो खुद क्या कौन सा मसला किस तरह से हल किया जाए से लेकर के, और कौन सा मसला पहले हल किया जाए, यानी तरजीहात के बारे में भी हल जो है वो मसाइल होते हैं। तो जो मसाइल होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं, उसको हल करने के एक चार पांच जो तरीके मखसूस हैं और किसी न किसी तरीके से बाकी सब के सब तरीके उसी के अंडर में आते हैं। पहला है सियासी अमल, यानी आप पॉलिटिकल एक्टिविज्म करके या हुकूमत में आ करके या हुकूमत पर किसी तरह से दबाव डाल करके अपनी बात मनवा लें, ये एक सियासी अमल है, यानी आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। दूसरा जो है वो है कि दूसरा है ये जो डेवलपमेंट सेक्टर है जिसको हम कहते हैं एनजीओस, वो एक उसको मसले को हल करने के लिए अपने तौर पर कोशिश करते हैं। तीसरा जो है वो कम्युनिटी ग्रुप्स का, जिस तरह से अपने पास ये जो मुख्तलिफ कराची में भी और हैदराबाद में भी किसी हद तक है कि ये जो ख्वाजा बरादरी है, इनकी अपनी कम्युनिटी है, वो अपने तौर पर मसाइल हल करते हैं, अपनी अलग से बस्तियां बनाते हैं, वहाँ पर अपना वो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम रखते हैं, सफाई का निज़ाम रखते हैं, सिक्योरिटी का निज़ाम रखते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह से ये जो काठियावाड़ी मेहमान टाइप के जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी कम्युनिटीज़ होती हैं। इसी तरह की बहुत सारी कम्युनिटीज़ हमको मिलती हैं। ये कम्युनिटीज़ बाज़ोकात जो है किसी इलाके की बुनियाद पर भी होती हैं, किसी लिसानी या नस्ली बुनियाद पर भी हो सकती हैं, और कभी जो है ये जिस तरह से स्टूडेंट कम्युनिटी है, जिस तरह से टीचर्स कम्युनिटी है, इस तरह से भी हो सकते हैं। तो इसका जो चौथा है वो ये है कि पब्लिक डिबेट, यानी आप एक मसले को लोगों में ले आएं, उसके लिए लोगों को आगाह करें, उसके लिए जो है लोगों को आप तैयार करें, उसके लिए आप लोगों को सेंसिटाइज करें, उनको हसास करें, तो वो एक मसला बन कर मसला जो है हल करने की एक कोशिश वो भी हो सकती है। अब इन सब का जो मतलब ये होता है, दो इनके होते हैं, एक तो मतलब ये होता है कि आप लोगों को आगाह करते हैं, लोगों को सेंसिटाइज करते हैं और लोगों को खड़ा करते हैं कि भाई ये मसला है। दूसरी तरफ ये आप करते हैं कि इस पूरे उस डिबेट के नतीजे में ये भी होता है कि जो मुतलका इदारे हैं, जो मुतलका हकाम हैं, जो मुतलका लोग हैं, उन तक आप बात पहुँचाते हैं कि भाई इतने सारे लोग ये मसला हल करना चाहते हैं। तो ये तो उसका जो है उसको हल करने के जो तरीके ये होते हैं। मुआशरती मसला चाहे मतलब एक छोटी कम्युनिटी में हो, लेकिन ये कि उसका जो असर है वो मजमूई तौर पर पूरे मुल्क की तरक्की पर भी पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर अपने पास अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, डकैतियाँ हों, लूटमार हो, वो चाहे भली एक हमारे इस हाईवे के किसी एक ही उस एरिया में होती हो, एक ही ज़िले में होती हो, लेकिन उसके नतीजे में आप देखेंगे कि
के पूरे मुल्क तक जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो मुख्तलिफ अशिया हैं उनकी जो रसद है वो मुतासर हो जाती है और उसकी वजह से मुल्क की तरक्की भी जो है वो मुतासर होने लगती है। माशरती जो सोशल इशूज़ हैं वो इंसान के अपने ही बनाए हुए होते हैं, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसका जो शिकार भी वो खुद इंसान ही होता है। इंसान के अपने बनाए मसाइल किस तरह के होते हैं, मसलन हम छोटे से इस इशू से लेते हैं, जैसे अभी बारिश हुई थी तो बारिश के नतीजे में अपने हैदराबाद में, कराची में और ख़ास तौर पर जो हमारा लोअर सिंध का इलाका है इसमें बड़े पैमाने पर फ्लडिंग हुई। भाई फ्लडिंग क्यों हुई, बारिश तो हुई लेकिन असल इशू ये था कि पानी की जो निकासी थी वो नहीं हो पाई। निकासी इस वजह से नहीं हो पाई कि उसके जो पानी की जो गुजरगाहें थी, जो नेचुरल जिसको हम कहते हैं कि सिंधी में पानी कहते हैं झंग लाइन, तो वो गुजरगाहों पर हमारे इस हजरत इंसान ने कब्जे कर लिए, उस पर जो उन्होंने मकान बना लिए, उस पर उन्होंने बस्तियां बना ली, उस पर जो उन्होंने जो है ये अपना क्या कहते रोड बना लिए, उस पर उन्होंने ज़मीनें आबाद कर ली, जिसके नतीजे में बारिश का पानी आ करके जमा हो गया और उसकी निकासी नहीं हो पाई, एक फ्लड की सूरत हाल हो गई। तो इस तरह से आप जो भी इशू देखेंगे वो बुनियादी तौर पर इंसान का अपना पैदा किया हुआ होता है और उस तकलीफ भी उसी इंसान को होती है। सोशल प्रॉब्लम जो है वो ये भी जहन में रखिए कि किसी एक फर्द की वजह से नहीं होता, उसके साथ माशरे के बहुत सारे लोग, उसके बहुत सारे जो हैं वो हम कह सकते हैं तबके या ग्रोह किसी न किसी तरीके से उसके साथ जुड़ते हैं तब वो बनते हैं। मसलन अपने पास अगर किसी भी इलाके में क्राइम बढ़ जाए तो इसका मतलब ये कि उस क्राइम के पीछे वहाँ के किसी बासर आदमी का जो हाथ हो सकता है, उसके पीछे वहाँ की इंतजामिया पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस किसी का हो सकता है, उसके पीछे किसी पॉलिटिकल जो है वहाँ का बंदा उसका भी ये हो सकता है। तो ये एक सूरत हाल है कि ये जो भी मसला है वो एक शख्स पैदा नहीं करता बल्कि वो एक पूरा एक अपना नेटवर्क जो होता है उसके ज़रिए चीज़ें बनती है। ये हम ये कह सकते हैं कि ये मसाइल जो हैं वो मुख्तलिफ वाक़ियात का और एक खासे दौर का नतीजा होते हैं और एक ऐसी सूरत हाल बनती है जो कि किसी शख्स के काबू से निकल जाती है। तो मसले को हल करने के लिए जैसे मैंने बताया कि उसको मसले को जानना बड़ा अहम है। हम जाने कैसे, इसकी एक छोटी सी हम दर्जा बंदी कर सकते हैं। एक ये कि हमारे पास पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल इशू कुछ इस तरह का है जिसमें सियासत क्या है, सियासत ये है कि लोगों का एक ग्रोह या लोगों का एक खासा सेक्शन अपनी ताकत और असर को बाहमी फैसले साजी पर मुनज़्ज़म तरीके से असरअंदाज होता है। वो सियासी पार्टियों जैसे हमारे पास सिंध में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता, उससे लोगों को शिकायत भी हो सकती है लेकिन ये कि उन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से अपनी ताकत मनवाई और गवर्नमेंट में है तो वो जो है उसमें फैसला साजी कर रही है। लोगों को जो है वो इससे ये शिकायत ये होती है कि वो जो हुकूमत में आते हैं जो पार्टी आती है तो वो अपने ऐलान करदा जो भी फैसले होते हैं और बज़ाहिर तो ये बताया जाता है कि ये गरीब आवाम की मदद के लिए किए जा रहे हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, उन फैसलों पर अमल नहीं होता है। फिर ये भी शिकायत रहती है कि वो जो आवामी फंड्स हैं, पब्लिक फंड्स हैं, उनका इस्तेमाल भी ठीक से नहीं होता है और उसको उसमें करप्शन होती है, उसका गलत इस्तेमाल होता है वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ ये भी एक हमारे एक सियासी जो माशरा है, सियासी जो शोभा हम कह सकते हैं वो है, उसमें जो है ये भी शिकायत है कि भाई उसको हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को ठीक से अमल करने काम करने नहीं दिया जाता और उसमें बाद लोग बाद इदारे इस तरह से मुदाखलत करते हैं जिनका ये काम ही नहीं होता। तो ये इस वजह से एक पॉलिटिकल इशू बराबर एक है और हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही अहम इशू है। दूसरा जो इशू है वो इकोनॉमिक इशू है। इकोनॉमिक इशू जो है वो महंगाई से लेकर के, बेरोज़गारी से लेकर के, लोगों की जो मुख्तलिफ सहूलियात हैं,
सेहत से मुतालिक हूँ, तालीम से मुतालिक हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट से मुतालिक हूँ, सफाई से मुतालिक हूँ वगैरह वगैरह। ये इकनॉमिक है। इकनॉमिक इस सेंस में कि भाई चूँकि जो भी वसाइल हैं वो कम हैं और जो ज़रूरियात हैं वो ज़्यादा हैं या उनकी जो तरजीहात हैं वो मुख्तलिफ हैं, इस वजह से वो इकनॉमिक इशू एक बनता है। बेरोज़गारी का है, हमारे नौजवानों को जो है वो आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए उसका है, तो ये वसाइल की कमी की वजह से इकनॉमिक इशू बढ़ता है, उसमें चीज़ें महंगी होती हैं, लोगों की पहुँच से दूर। इसी तरह से एक और जो मसला है वो है डिसऑर्गेनाइजेशन। डिसऑर्गेनाइजेशन किसी फैमिली में भी हो सकती है, डिसऑर्गेनाइजेशन किसी उसमें भी हो सकती है, किसी एक गांव में हो सकती है, किसी एक इदारे में हो सकती है, किसी एक ज़िले में हो सकती है। मसलन मंशियात है, ये छोटी मोटी जो बिछनीगिरी है, चोरियाँ छोटी मोटी जो हैं ये हैं, छोटी मोटी लूटमार की चीज़ें, ये डिसऑर्गेनाइजेशन है। डिसऑर्गेनाइजेशन कानून ला लेने से हम जिसको कहते हैं उसकी वजह से है। उसमें हमारे जो सोशल कंट्रोल है, सोशल कंट्रोल वो है जो कि हमारी सोसाइटी तो खुद से अपने आप को पाबंद बनाती है कि हम इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। हम अगर यहाँ पर इस गली में रह रहे हैं तो इस गली में हम सब रहने वाले ये तय करें कि भाई यहाँ पर जो है वो सुबह के टाइम या शाम के टाइम ये जो बच्चियाँ स्कूल जाती हैं इस वक्त कोई नौजवान बाहर नहीं बैठेगा, ठीक है, नहीं बैठेगा। अदरवाइज़ तो कोई कानून में तो उसकी कोई नहीं है, लेकिन ये कि हम अगर उसको सोशल कंट्रोल ये कर सकते हैं, या ये जो सफाई है, ये जो गंद कचरा फेंका जाता है वो इस तरह से नहीं फेंका जाए, या रात को देर से जो है वो बाद नौजवान जो है वो अपने स्पीकर पर गाने सुनते वो नहीं होने चाहिए, तो ये एक उसका सोशल कंट्रोल होता है। दूसरा होता है इसका स्टेट का या हुकूमत का कंट्रोल, वो इस रियासत के या हुकूमत के जो इदारे वो करते हैं, तो उनको ठीक से दोनों को अमल न करने की वजह से ये सब चीज़ें मंशा से लेकर के छोटे मोटे क्राइम से लेकर के और जितनी भी माहौलियात और आलूदगी दुनिया भर में भी अहम इशू है और अभी अपने पास तो बहुत ही खासा अहम हो गया है। इसी वजह से आप देखें कराची के मसले के लिए एक वफाक ने जो इंटरवेंशन की और कहा कि यहाँ सफाई होगी और नाले जो है साफ नहीं हुए वगैरह वगैरह। तो ये आलूदगी जो हम खुद पैदा करते हैं, हम आलूदगी किस तरह से पैदा करते हैं, एक तो हमारी वो तमाम सरगर्मियाँ जो कि हम सनअतों के ज़रिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए करते हैं, फिर हम खुद जो अपने माहौल को ठीक नहीं रखते, हम ये जो गंद कचरा ये जो है बाहर फेंक देते हैं इसकी वजह से होता है, और ये जितनी भी जो पॉल्यूटेड चीज़ें वो हम जो हैं वो इस्तेमाल भी करते हैं, तो इस वजह से भी चीज़ें जो हैं वो एक माहौल में मतलब एक बनती हैं। माहौलियात में जितनी भी गड़बड़ है, जितनी भी आलूदगी है, उसका भी वो पूरी की पूरी इंसान की अपनी बनाई हुई है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि मिट्टी, पानी, हवा ये सब की सब आलूदा हो जाती है। ये जब आलूदा हो जाती हैं तो फिर जो है काश्त पर, हमारे ये जो प्लांटेशन है उस पर, हमारे जो हैवानात हैं उस पर भी उसके मज़र असरात होते हैं, और जब उन पर मज़र असरात होते हैं तो लाजमी तौर पर जो है उसका असर हमारी मईशत पर भी पड़ता है। अभी मौसमियाती तब्दीली का एक दुनिया भर में बहुत बड़ा मौजू बना हुआ है, जिसकी वजह से बारिशें जो हैं वो समझ लें कि पहले ये जून जुलाई में पड़ती थी, अब जो अगस्त सितंबर में पड़ने लगी है, यानी तकरीबन 1.5-2 महीना पीछे चली गई हैं। तो उसके नतीजे में पूरी की पूरी जो हमारे मौसमों पर, हमारे रहन सहन पर, हमारी जो इकानमी उस पर, हमारी जो ख़ासतौर पर एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ों उन पर बहुत बड़ा असर उसका रहता है। अब इसमें एक और जो इशू आता है वो है गुर्बत, माशरती गुर्बत। गुर्बत अगेन एक आम इंसान की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, मतलब पानी, ग़िज़ा, सेहत की देखभाल, लिबास, मकान, तालीम वगैरह वगैरह, ये एक एक मतलब इनके ना होना ये गुर्बत है। बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना वो भी एक गुर्बत के उस
खाने में फिट होता है। उसका मतलब ये है कि ज़रूरियात जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं उनके अखराजात पूरे करने में मदद नहीं मिलती। मुख्तलिफ जैसे मैंने बताया मुआशरों के मुख्तलिफ मसाइल हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ तबकात के भी मुख्तलिफ मसाइल हैं। मसलन हमारे जो देही आबादी है और वहाँ पर जो ज़रात से रिलेटेड लोग हैं उनके मसाइल ज़रात से हट करके उनके अपने जो लाइफ स्टाइल लिविंग उनकी ज़रूरियात उनके मसाइल एक हैं। फिर हमारे पास जो एक मिडिल क्लास के लोग हैं उनके मसाइल उनसे मुख्तलिफ हैं। फिर जो इलीट है जो अपर क्लास है उसके मसाइल उनके अपने मुख्तलिफ हैं। हमारी जो यूथ है उसके मसाइल अपने मुख्तलिफ हैं। तो ये इस हर तबके के अपने अपने मसाइल होते हैं। आमतौर पर ये जो एक मजमूई तौर पर जिन मसाइल को काउंट किया जा सकता है वो दहशतगर्दी है, इंसानी हकूक है, ख्वातीन से मुतल्लिक उमूर हैं, फिर ये जो एक जिनसी बुनियाद पर या नस्ली बुनियाद पर ये जो एक होती है इम्तियाज वो है, फिर मुलाजमत और उजरत में जो इनकी जो सोशल सिक्योरिटी का न होना है वो है, फिर उन बच्चों में जो मंशियात का है बच्चों के साथ ज्यादतियाँ हैं, पॉपुलेशन बहुत बड़े पैमाने पर जो इजाफा हो रहा है, बेघर जो लोग हो रहे हैं लोगों पास घर नहीं है वो है, नकल मकानी है, तो ये बहुत लंबी एक फहरस्त बनाई जा सकती है। मीडिया का काम मसाइल की निशानदेही करना, उनको उजागर करना, लोगों को आगाही देने के साथ साथ अवामी मकाल में यानी डिबेट के जरिए एक काबिले कबूल हल तक पहुँचने में मदद देना है। ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी मसला वो कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, उसकी पिछले उस पूरे अरसे में क्या क्या शिद्दत रही। जैसे मैंने बताया ये किसी एक दिन का मसला नहीं होता है। फिर मुख्तलिफ जो आपकी सोसाइटी के ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के मफादात क्या क्या हैं उस मसले में किसी न किसी तरीके से रिलेटेड होंगे। मसला हमारे पास जामचोरो फाटक पर ट्रांसपोर्ट का मसला है। अब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ आते हैं, ज़्यादा पैसे लेते हैं वगैरह वगैरह जो भी, तो उसके पीछे पूरा एक लोगों के मफाद आते हैं। अच्छा, फिर ये मसले को समझने के लिए आप देखें कि उसके मेन स्टेक होल्डर उसके फरीक कौन कौन है, हल के क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या क्या मतलब ऑप्शन हैं, क्या क्या हल हो सकते हैं। फिर इन मसाइल के बारे में भी और खुद जो इशू हल है उसके बारे में लोगों की क्या आ रहा है, फिर ये भी देखना होगा कि पहले कोई इन मसाइल के हल के लिए कोशिश की गई थी, अगर की गई थी तो फिर हल क्यों नहीं हुआ, ये मसला हल कौन कर सकता है। मसलन यहाँ का कोई लोकल आपकी जो म्यूनसिपल्टी या टाउन कमेटी वो हल कर सकती है, आवाम का आपका जो SHO वो कर सकता है, SP कर सकता है, DC कर सकता है, MPA कर सकता है, सूबाई हुकूमत कर सकती है, कौन कर सकता है। इस चीज़ को समझने के लिए एक चीज़ जो मैंने अभी बनाई थी तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको शेयर भी करता हूँ, मैं इस पर पूरी बात कर लूँ। देखिए ये एक चार्ट है, एक स्कूल के जो एक मसला है सॉल्यूशन का आइडिया हाउ इट वर्क्स कैसे काम कर सकता है, और ये अज्यूम किया हुआ है कि उसका मसले का सबब क्या है। मसलन ठीक से तालीम हो नहीं हो रही ये इशू है तो क्या होना चाहिए कि उसके अंदर आप कुछ चीज़ें ऐड करें, और ऐड करें तो उसका मतलब ये कि कैसे काम करेगा कि उसमें आप कुछ पैसे डालें, लोग डालें, स्टाफ डालें। मसला क्या है कि मसला ये है कि ये अगर आप ये करने जा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने ये आइडेंटिफाई किया कि इस मसले की जो वजह है वो है कि असल में ये जो मसाइल हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं, उसकी कमी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ज़्यादा टीचर, ज़्यादा डिपार्टमेंट, ज़्यादा पैसे, फिर ये आप उसमें कर सकते हैं। दूसरा ये कि टेक अवे समथिंग, यानी कोई चीज़ आप उसमें से रिमूव कर दें, हटा दें। मसलन आप उसमें से कुछ वसाइल कम कर दें, भाई फर्नीचर हटा दिया, कुर्सी हटा दी, लाइट कम कर दी, या जो स्टाफ को कुछ कम कर दिया। उसके लिए आप अगर इस चीज़ से
किसी स्कूल में नहीं हो रही है टीचिंग, तो आप किसी टीचर पर फाइन डाल सकते हैं वगैरह वगैरह। एक और सिचुएशन हो सकती है, आप अगर उसको एजुकेट करना चाहते हैं तो उसका मतलब ये कि उनको आप लोगों को उस मसले के बारे में आगाही देते हैं और उसके हल के बारे में आप जो है आगाही देते हैं। उसका सबब जाके ये बनेगा कि जब आप खोदोगे तो ये बनेगा कि लोगों को चूंकि उसके बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से आप लोगों को बता रहे। मतलब तालीमी इदारों में जैसे से कि एक ये जो ड्रग्स वगैरह का एक किस्सा होता है तो उसके बारे में भी उनको आप आगाही देने का, एजुकेट करने का वो मामला बनता है। दूसरा है कि आप अगर नए कानून बनाते हैं, नए कानून बनाते हैं तो इसका मतलब ये कि आप जो है वो कोई नए रूल्स ले आएंगे, और नए रूल्स ले आएंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि पुराने वाले जो पहले से मौजूद कानून जाब्ते पॉलिसियाँ हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ये एक हो सकता है। दूसरा जो है, आप जो भी कानून मौजूद है उसको एक इन्फोर्स करें सख्ती से, तो ये समझा जाएगा कि पहले वाला जो कानून है, जो पॉलिसियाँ हैं वो हैं तो ठीक, लेकिन चूंकि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है लिहाजा ये जो है ठीक से वहाँ पर जो तालीम वगैरह जो है वो नहीं हो पा रही है। फिर एक और जो सिचुएशन आप कर सकते हैं वो है कि चेंज द प्रोसीजर आर मेथड, यानी आप उसका जो तरीका है उसको तब्दील करें। मतलब हम पहले ऑनलाइन वो वहाँ फेस टू फेस क्लास ले रहे थे, अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अब अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम फेस टू फेस क्लास पर चले जाएँ, यानी हमने तरीका तब्दील कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जिस्टिंग जो तरीका था वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये एक है कि लोगों को आप मोटिवेट करें, उनको एक होता है आगाह करना, दूसरा होता है मोटिवेट करना। आगाह करने तब का होता है जबकि लोगों को पता ना हो, मोटिवेट तब किया जाता है जब लोगों को पता हो लेकिन ये कि वो करना कर नहीं रहे हो, फिर इस मौके पर आप उनको बड़े इमोशनल अपील्स करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, फिर उस पर एक बात आगे जाती है। एक और चीज़ होती है कि भाई ठीक है, वर्कआउट कंप्रोमाइज, यानी वो जो भी एक डिसेंडिंग वॉइसेस हैं उनको आप एक साथ बिठाएं, भाई ठीक है क्या मसला है, बैठ के बात करते हैं तो किसी एक नतीजे पर पहुंचे। एक और है कि भाई एक किसी तरीके जो है वो आप उसका एक सॉल्यूशन ढूंढें और कहीं और जगह पर जा करके उसको करें। आखिरी जो इसका हो सकता है वो है कि उसकी लीडरशिप में तब्दीली लाई जाए, यानी उनको जो है वो चीज़ों को तब्दील किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं।